नमस्कार, मैं हूं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि अर्बन नक्सल और राजनीतिक समर्थन वाले विकास विरोधी तत्वों ने गुजरात में कई सालों तक नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण को रोक कर रखा। उन्होंने यह भी कहा कि जिस काम की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसे उन्होंने पूरा किया। बिहार दौरे पर आए रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि मैं सीमांत जिलों में आया हूं तो लालू नीतीश के पेट में दर्द हो रहा है। कह रहे हैं कि मैं यहां झगड़ा लगाने आया हूं, ये काम लालू परिवार का है। नीतीश लालू की गोदी में बैठे हुए हैं, यहां डर का माहौल है। ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों की जांच कराने का फैसला किया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने राज्य में सभी जिलों के कमिश्नर और जिलाधिकारियों को जांच के लिए निर्देश दिए हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें गुरुवार देर रात पटना स्थित IGIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आज उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए पटना से दिल्ली ले जाया गया। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय वाणिज्य दूतावास के पास अफगानिस्तान में मजार ए शरीफ पर हुए हमले को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व कौशल की प्रशंसा की। वर्ष 2016 में अफगानिस्तान की स्थिति को याद करते हुए जयशंकर ने कहा कि आधी रात हो गई थी और मजार ए शरीफ अफगानिस्तान में हमारे वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया था। हम फोन से पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ है। बिहार की नीतीश सरकार ने आम लोगों को घर बैठे चरित्र प्रमाण पत्र की सुविधा दी है। अब लोगों को दफ्तर जाकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि आवेदक को मोबाइल नंबर और ईमेल पर ही चरित्र प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। राज्य गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के DM और SP को निर्देश दिए हैं। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संग उनकी लंबी बातचीत हुई है, उन्हें मनाने का प्रयास भी किया गया लेकिन राहुल ने हामी नहीं भरी है। गहलोत के साथ PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। बिहार में सरकार बदलने के साथ ही अब नेताओं के पते भी बदलने लगे हैं। बिहार विधानसभा सचिवालय ने प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत 35 लोगों को नए आवास अलॉट कर दिए हैं। विधानसभा सचिवालय के मुताबिक कई विधायकों को 2 साल कार्यकाल बीत जाने के बाद भी आवास नहीं मिला था, इसी को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है। इंटरनेट के जरिए कॉल करने और संदेश आदान प्रदान की सुविधा देने वाले व्हाट्सएप, जूम और गूगल डुओ जैसी ओवर द टॉप कंपनियों को देश में परिचालन के लिए लाइसेंस की जरूरत हो सकती है। दूरसंचार विधेयक के मसौदे में यह प्रस्ताव किया गया है। दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे में OTT को दूरसंचार सेवा के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार ने पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा की तारीख साफ कर दी है। नोटिस में दी जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का आयोजन 16 अक्टूबर 2022 के दिन किया जाएगा। इस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुए हैं। जनपद के ग्रामीण क्षेत्र गोसाईगंज थाना अंतर्गत ठंडी सड़क तेलियागढ़ इलाके में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी 19 साल की बेटी को पड़ोस के ही रहने वाले मुस्लिम समुदाय के युवक ने अपने परिवार की मदद से अपहरण कर लिया है और अब वह उसका धर्म परिवर्तन कर अपनी बहू बनाने की धमकी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी और धर्मांतरण या धर्मांतरण के लिए डराने धमकाने उपहारों और मौद्रिक लाभों के माध्यम से धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कड़े कदम उठाने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कपटपूर्वक कराए जाने वाले धर्मांतरण पर नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र एवं अन्य से शुक्रवार को जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणियों को लेकर पत्रकार नविका कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को शुक्रवार को एक साथ नथी कर उन्हें दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया है। नविका TV पर प्रसारित तो उस परिचर्चा की प्रस्तोता थी जिसमें नुपुर शर्मा ने विवादित टिप्पणी की थी। तेलंगाना के प्रौद्योगिकी मंत्री KT रामा राव ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ऊर्जा और कृषि के निजीकरण का प्रयास कर रही है, जिसके किसानों तथा अन्य पर विनाशकारी प्रभाव होंगे। राव ने गुरुवार को सिरिसिला में संवाददाताओं से कहा कि अगर केंद्र सरकार की ओर से पेश बिजली विधेयक कानून बन जाता है तो किसानों को निःशुल्क बिजली मिलने बंद हो जाएंगी।
भारत में कोविड के मामलों में फिर से उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के 5,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 5,383 नए मामले सामने आए हैं। अब देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,45,58,425 हो गई है, जबकि कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 46,342 से घटकर 45,281 पर रह गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 आज नागपुर में शाम 7 बजे से। भारत के लिए हर हाल में जीत जरूरी, क्योंकि 3 मैच की सीरीज में भारत 0-1 से है पीछे। NIA की छापेमारी के विरोध में केरल में इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। केरल हाईकोर्ट ने PFI के इस कदम की निंदा की है। हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि कोई भी बिना इजाजत के बंद नहीं बुला सकता। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान पुराने हो चुके हैं, जिन्हें अब नए तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका से पाकिस्तान ने ये लड़ाकू विमान खरीदे थे। ऐसे में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ही लड़ाकू विमानों को चमकाने की डील की है। पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने के लिए इस सौदे को लेकर भारत की तरफ से नाराजगी जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 मामले में दशहरे की छुट्टी के बाद सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। चीफ जस्टिस UU ललित ने जल्द सुनवाई की मांग कर रहे एक वकील को आश्वासन देते हुए यह बात कही है। इससे पहले अप्रैल में चीफ जस्टिस ने सुनवाई को लेकर कहा था कि मुझे देखने दें, इस मामले में 5 जजों की बेंच का गठन करना होगा। नौसेना को अधिक घातक बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने दोहरी भूमिका वाले ब्रह्मोस मिसाइल देने का फैसला किया है। इसके लिए ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली कंपनी BAPL से 1700 करोड़ का करार किया गया है। पश्चिम बंगाल में मालदा बीजेपी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। ये हमला TMC समर्थित गुंडों ने किया है, ऐसा महिला के पति ने दावा किया है। महिला के पति का कहना है कि वो हमारे घर में अपने कमरे में सो रही थी, तभी तो अनजान लोग घर में घुस आए और उन्हें मारना शुरू कर दिया और चाकू मार दिया। दुनिया भर के लिए चीन एक बड़ी चुनौती की तरह है, खासतौर पर अपने पड़ोसी मुल्क पर चीन की धौंस आए दिन देखने को मिलती है। यही वजह है कि अमेरिका की चीन पर कड़ी नज़र है और वो हर मौके पर ड्रैगन को पीछे धकेलने का काम करता है। अब अमेरिका ने भारत के साथ ड्रोन बनाने की बात कही है, जिसे चीन के नज़रिए से काफ़ी अहम माना जा रहा है। पेंटागन के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। अंबानी समूह के कर्मचारी ना तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में नौकरी कर सकेंगे और ना ही मुकेश अंबानी की कंपनी में काम कर रहे चुके कर्मचारियों को अडानी समूह हायर करेगी। यह एग्रीमेंट इस साल मई से लागू है और दोनों कंपनियों से जुड़े सभी कारोबार के लिए है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इतिहास रच सकते हैं। अगर आज रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक भी छक्का लगाते हैं तो वह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के सिक्सर किंग बन जाएंगे। एक्ट्रेस सामंथा रुत प्रभु ने अपनी अपकमिंग फिल्म शकुंतलाम का नया मोशन पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में सामंथा के साथ देव मोहन नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सामंथा ने फिल्म की रिलीज डेट की भी जानकारी दी है। पोस्टर शेयर कर सामंथा ने लिखा कि शकुंतलाम वर्ल्ड वाइड 4 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। फिल्म को गुना शेखर डायरेक्टर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने BJP और RSS पर निशाना साधा है। उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद में जाने को लेकर संघ परिवार पर तंज कसा है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि खुली जगह में नमाज तो योगी सरकार को सहन नहीं हो रहा है, भागवत को राष्ट्रपिता कहने से क्या बदलेगा। भारत में इस 400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी को लेकर रूस का बड़ा बयान सामने आया है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि इस 400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार हो रही है। दोनों देशों भारत और रूस के रक्षा संबंधित मुद्दों में यूक्रेन संघर्ष के कारण कोई देरी नहीं हुई है। टाटा स्टील के बोर्ड ने समूह की 7 सहायक कंपनियों के विलय को मंजूरी दे दी है। टाटा स्टील ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंज में की गई एक नियामकीय फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। गुरुवार को बोर्ड के सदस्यों की बैठक में इसकी मंजूरी मिली। देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली NCR में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने आज यानी शुक्रवार को देश के 17 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया और पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव देश के कई राज्यों में पड़ा है। गोवा पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते ATS ने 22 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की है। पिछले 2 महीने में किराएदार और विदेशियों के सत्यापन अभियान के दौरान ATS ने इनकी अवैध बांग्लादेशियों के रूप में इनकी पहचान की है। समाचार एजेंसी NIA ने ये जानकारी दी है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है के सिन्हा, शम्स तनफीज, जितेंद्र ठाकुर, राजकुमार प्रसाद, अक्षय कुमार, मुच्छू रंगेला, राकेश शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है आज भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के साथ सीरीज को बचा पाएगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।